एंड वेलकम बैक टू द व्हाइट स्लेट पढ़ाई। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11। अगर अभी तक आपने द व्हाइट स्लेट पढ़ाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से द व्हाइट स्लेट पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। उसका फायदा ये होगा कि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे और कोई भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, जैसे आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लिए करने जा रहे हैं, तो वो वीडियोस इजीली और क्विकली आपके न्यूज फीड में आ जाएंगी। तो क्विकली अब हम लोग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर होने वाला है बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी तक आप क्लास 10th की 3 इक्वेशंस देख के आए होंगे और आपको यहाँ की काफी सारी इक्वेशंस देख के लग रहा होगा कि चैप्टर बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, बट दिस इज लाइक अ बैटल। पहले आपके पास सिर्फ 3 वेपन्स थे उस लड़ाई को लड़ने के लिए, अब आपके पास ऑलमोस्ट 50 या 60 वेपन्स होंगे एक लड़ाई को लड़ने के लिए। तो वो 50 या 60 सब आपको अपने आप याद हो जाएंगे इक्वेशंस जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। और एक एक क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग अप्रोच, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में एक यूनिक आइडेंटिटी ही लग रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में कोई 2 आइडेंटिटीज लग रही हो, 3 लग रही हो। तो जितनी ज्यादा आइडेंटिटीज हैं उतना आपका फायदा है, नुकसान नहीं। और आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो सब आपको बड़े आराम से याद हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद बेसिक्स। सो बिल्कुल सिंपल सी एक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। बोर्ड पे देखे बिना क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक एंगल क्या होता है? क्लास 6 में हम लोग पहली बार पढ़ते हैं कि एक एंगल क्या होता है, लेकिन फिर भी कई बार हमसे अगर कोई रैंडमली पूछ ले कि एक एंगल क्या होता है तो हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। हमें पता होता है कि एंगल क्या है बट हमें उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता है। तो यहाँ पे आपके सामने एंगल की प्रॉपर डेफिनेशन है। एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। तो अगर मेरे पास ये कोई रे है, ये वाली, यहां से यहां, लेट्स से मैं इसको नेम कर देता हूं OA। अगर मेरे पास एक रे है OA और इसको हम लोगों ने रोटेट कर दिया और ये अब यहां पर आ गई है इस पोजीशन पे OA', तो एंगल क्या है, इसका ये रोटेशनल मूवमेंट कितना हुआ, इसका एक मेजरमेंट है। सिंपल, एंगल में एक चीज होती है, अगर हम यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, अभी हम ऐसे चले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग बोल देते हैं पॉजिटिव एंगल। हम पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं, पॉजिटिव एंगल। और अगर इसी की जगह हम लोग ऐसे गए होते, सपोज ये हमारी रे थी और हम इस डायरेक्शन में गए, मतलब कि हम यू क्लॉकवाइज घूमे, तो इसको हम लोग बोल देते हैं नेगेटिव एंगल। ये है नेगेटिव एंगल। तो एंगल्स में ज्यादा कुछ नहीं है। अब आगे हम लोग ये पढ़ते हैं अभी कि एंगल्स को हम कितनी तरीके से मेजर कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने डिग्री मेजरमेंट सीखा है, हालांकि उसमें भी जैसे हमें एंगल की डेफिनेशन नहीं पता थी, काफी ऐसी चीजें हैं जो नहीं पता होंगी। तो पहले डिग्री मेजरमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ नए तरीके पढ़ेंगे एक एंगल को मेजर करने के। तो डिग्री मेजरमेंट क्या है, वो जो अभी तक हम पढ़ते आए थे, डिग्री कुछ नहीं है बल्कि सपोज हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हमने एंगल मेजर किया था, ये चार क्या है, ये चार क्वाड्रेंट्स हैं, ये आपको पता होगा, ये हमने 10th में भी पढ़ लिया था। और अगर हम यहाँ पर एक एंगल ऐसा बनाएं, यहां से स्टार्ट करता हुआ और ऐसा पूरा एक सर्कुलर रूप, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले, तो हम ये कहते हैं कि ये एंगल है 360 डिग्रीज। मतलब हमने डिफाइन ही उसको कुछ इस तरह से किया है कि एक एंगल अगर पूरा सर्कुलर ऐसा रोटेशन कवर कर ले और अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाए तो इसे हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं। मतलब कि ये इतना कितना हो जाएगा, 360 का 1/4, मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही ये भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के चार क्वाड्रेंट्स में हम लोग एंगल को डिवाइड कर देते हैं और ये पूरे को हम लोग बोल देते हैं 360 डिग्रीज। अभी एक डिग्री जो होती है 1 डिग्री, इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं और एक डिग्री को ही हम लोग 60 मिनट्स के बराबर मानते हैं। मतलब कि एक कंप्लीट रोटेशन का 360th पार्ट, क्यों, क्योंकि टोटल 360 डिग्रीज का बन रहा है, तो एक कंप्लीट रोटेशन का 360th पार्ट एक मिनट के बराबर होता है। ठीक है, और मिनट को हम लोग कैसे लिखते हैं, मिनट के लिए हम लोग सिंगल डैश ऐसे लगा देते हैं। और हमें पता है कि एक मिनट जो होता है दैट इज इक्वल टू 60 seconds, तो एक मिनट इज 60 seconds।
और एक डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये दो चीजें हमें पता चली यहां से, क्या कि एक डिग्री जो होती है वो 60 मिनट के बराबर होती है और एक मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। इसको सेकंड्स के लिए हम दो डैश ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, सिंपल था। तो डिग्री मेजरमेंट तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, अब नया जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रेडियन मेजरमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, डिग्री से थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। तो अब हम लोग रेडियन मेजरमेंट पढ़ते हैं। तो बात करते हैं रेडियन मेजरमेंट की। रेडियन क्या होता है, अब हम डिग्री में तो मेजर कर लेते थे, अगर रेडियन की बात करें तो सपोज ये मेरे पास सर्कल है एक यूनिट रेडियस का, यूनिट रेडियस मतलब इसका रेडियस 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो एक रेडियन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज ये है तो ये एक रेडियन को हम डिफाइन करेंगे अगर ये आर्क जो कटी है ये आर्क की लेंथ भी 1 यूनिट ही हो। तो इस एंगल को हम लोग बोल देंगे, सपोज ये एंगल एक्स है तो एक्स को हम लोग बोल देंगे कि एक्स जो है वो 1 रेडियन के बराबर है। तो ये तो है कि हम रेडियन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो ये एंगल एक्स क्या हो जाएगा, ये 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा, कब, जब एक यूनिट रेडियस का सर्कल हमने लिया और उसमें एक आर्क बनाई जो कि 1 यूनिट की थी, तो इस एक्स की वैल्यू क्या आई, 1 रेडियन। अगर ये 1 यूनिट की जगह मेरी आर्क लेट्स से 2 यूनिट होती तो ये एक्स जो था ये 2 रेडियंस हो जाता। बिल्कुल सिंपल है, ये तरीका है कि हम रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं। ऑल्दो एग्जाम में ऐसा आपसे नहीं पूछेंगे कि रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि रेडियन आ कहां से रहा है, इसलिए हम लोगों ने रेडियन कहां से आया ये भी देख लिया। अब आपको लग रहा होगा कि डिग्री भी कुछ कुछ ऐसे ही होता है, यहां से यहां मेजर करते हैं और रेडियन भी ऐसे ही, तो इनके बीच में कुछ रिलेशन होगा। तो जी हाँ, इनके बीच में बिल्कुल एक रिलेशन है और उस रिलेशन को हम लोग देख लेते हैं क्विकली। तो अभी आपके सामने मैंने लिख दिया है द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। तो अगर रेडियन में हम लोग कोई चीज मेजर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कैसे क्या होगी कंपेयर टू डिग्री मेजर में, जो भी हमने डिग्री में मेजर करी है वो मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180। मतलब कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी वैल्यू रेडियन में आएगी उसमें पाई वाला टर्म भी आएगा, जैसे कि एंगल किस फॉर्म में आएंगे, कुछ इस तरह से पाई बाई 6, पाई बाई 2, पाई बाई 3, इस तरह से हमारे एंगल्स आएंगे रेडियन मेजरमेंट में। ये पाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रेडियन मेजरमेंट में। इसको आप कुछ ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मुझे रेडियन और डिग्री को एक बराबर मानना है कि ये दोनों मेजरमेंट सेम हो तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है, पाई बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि 180 डिग्री के बराबर ही होता है, ऐसा आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रेडियन मेजर और डिग्री मेजर सेम हो जाते हैं। अगर ये आपको समझ आ गया तो आप इजीली कुछ भी कन्वर्ट कर पाएंगे। अब कुछ नहीं है, बस इसी को उल्टा ऊपर नीचे घुमा के लिख दिया है। डिग्री को अगर यहाँ किया तो डिग्री मेजर क्या हो जाएगा, जो भी आपको रेडियन मेजर पता है या आपने कैलकुलेट किया है वो मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई, क्योंकि रेडियन मेजरमेंट में हमेशा पाई का एक टर्म होगा, तो पाई के उस टर्म से ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा और आपको डिग्री में आपकी मेजरमेंट मिल जाएगी। अगर क्विकली हम लोग देखें एक बार, पाई इज इक्वल टू 180, जैसा मैंने अभी समझाया, जो हमारे कुछ फेमस एंगल होते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, दो ही देख लेते हैं अभी। तो 30 डिग्री को अगर आपको रेडियन मेजरमेंट में लिखना है, ये तो आपको डिग्री मेजरमेंट में गिवेन है, तो रेडियन में लिखने के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे 30 into π/180, तो π/180, तो ये 30 से 180 कट जाएगा 6 times, 0 से 0 कैंसिल एंड 3 6 18, तो 30 डिग्री क्या हो गया, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब आपको ये याद रखना है कि 30 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 6 है रेडियन मेजरमेंट में। अब इस चैप्टर में ज्यादातर हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो जो हम लोग एंगल्स पढ़ते थे साइन 30, साइन 45, वो साइन 30 की जगह हम लोग साइन पाई बाय 6 पढ़ेंगे। इसके 4-5 क्वेश्चन करोगे आप, आपको ये दिमाग में फिट बैठ जाएगा। तो 30 डिग्री तो हो गया पाई बाय 6। ऐसे ही अगर 60 की बात करें तो 60 के लिए आप क्या करोगे, 60 into π/180, और यहां पे भी 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6 6 3 18, तो 60 डिग्री क्या आ गया, 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3।
और आप देख भी सकते हो मैंने क्या बताया था, पाई इज इक्वल टू 180 आपको मानना है। तो यहाँ पे अगर आप 180 रख दोगे तो 180 बाई 3 कितना हो गया, 60 डिग्री आ गया ना। तो पाई इज इक्वल टू 180 से आपके कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अभी बुक में कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं इससे रिलेटेड, वो कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1। तो अभी अपने सामने है एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स, ये मिनट है क्योंकि इस पे एक डैश है, इनटू रेडियन मेजर। अभी हमें ये डिग्री मेजरमेंट में गिवेन है और हमको इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इनटू पाई बाई 180 करते थे, लेकिन यहां पर एक मिनट की भी टर्म है तो पहले हमें इस मिनट की टर्म को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें पता है और कि एक डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स है, हमें कितने मिनट गिवेन है, 20 मिनट। तो अगर मैं दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 20 मिनट मुझे मिल जाएगा। 20 मिनट किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 डिग्री के, है ना, 1/3 डिग्री मिल गया। तो अभी ये क्या हो जाएगा, 40 होल 1/3 डिग्री, या फिर इसको आप लिख सकते हो ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हो, 40 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 121/3 डिग्री, ठीक है। इंटू पाई बाई 80 करेंगे अभी क्योंकि हमें रेडियन मेजर निकालना है, इंटू पाई बाई 180। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आया हमारे पास 121 पाई अपॉन 540 रेडियंस। यूनिट लिखना मत भूलना क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें ये ना लिखने के नंबर कट जाएंगे। तो हमने 40 डिग्री और 20 मिनट्स को 121 पाई अपॉन 540 रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चन भी सिंपल ही होंगे क्योंकि अभी हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, बस डिग्री और रेडियन मेजरमेंट पढ़ा है और उनका कन्वर्जन पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास है एक और सिंपल क्वेश्चन, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। अभी हमें रेडियंस में वैल्यू गिवन है और हमें उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमें सिंपल फॉर्मूला पता है कि डिग्री में जो वैल्यू हमें चाहिए वो हो जाएगी जो भी वैल्यू रेडियंस में गिवन है, रेडियन वैल्यू इनटू 180 अपॉन पाई, या फिर यहाँ पे क्योंकि पाई की पाई में नहीं लिखा है 6 पाई रेडियंस ऐसे करके, तो पाई की आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 22/7। पाई को 3.14 मत लिखना, 3.14 नहीं होता है पाई, वो हम लोग अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, पाई सिर्फ 22/7 होता है, ऐसा याद रखो। तो रेडियन वैल्यू हमें गिवेन है 6 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 22, ये वैल्यू है हमारी डिग्री में। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 से 6 2 इंटू 11, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 180 इंटू 21 अपॉन 11, ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 343 होल 7/11 डिग्री। अब 340 इसको आप और ब्रेक भी कर सकते हो कि आप इसको 343 डिग्री में लिख दो और 7/11 को आप फर्दर मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट कर दो। इनफैक्ट जब आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इसको कन्वर्ट करके लिखना चाहिए क्योंकि एक नंबर लाइक ये कैलकुलेशन नहीं है कि आपने सिर्फ 180 इंटू 7/22 उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं बता देता हूं आपको कि ये कितना आएगा पूरा सॉल्व करके, ये आएगा 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स, अप्रोक्स वैल्यू आएगी क्योंकि 7/11 को हम लोग एग्जैक्ट लेके नहीं जा सकते। तो ये भी सिंपल है, थोड़े से कैलकुलेशंस इसमें आपको करने पड़ेंगे, बाकी इतना ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो अभी एग्जांपल 3 देख लेते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं, रेडियस इज इक्वल टू लेंथ अपॉन एंगल, और ये जो एंगल आपको लेना है ये हमेशा आपको याद रखना है कि रेडियन में लेना है,
कभी भी डिग्री में मत ले लेना, ये हमेशा रेडियन में ही होगा। और ये आर एल थीटा ये सब क्या है, सपोज ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगी इस आर्क की लेंथ एल। तो ये है हमारा आर एल और थीटा। ये जो लेंथ होती है ना, ये प्रोडक्ट होता है रेडियस और इस एंगल का, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और आर जो है वो, सॉरी थीटा जो है वो हमेशा रेडियंस में होगा, कभी भी डिग्री में नहीं लेना है। तो अभी हमें 60 डिग्री गिवेन है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, तो 60 से ही 180 कट गया थ्री टाइम्स, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 3, ये हम पहले भी कर चुके थे। अभी हमें आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा, लेंथ हमें गिवेन है आर की कितनी है 37.4, तो एल हो गया 37.4 सेंटीमीटर, और थीटा हमने जो रेडियंस में निकाला है वो है पाई बाई 3, पाई बाई 3, पाई को आप 22/7 लेंगे, तो ये 3 को ऊपर भेज देते हैं, ये इंटू 3 हो गया, और पाई को 22/7 लिख लेंगे, तो हो जाएगा 22/7, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 35.7 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका रेडियस जो है इस सर्कल का वो आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क जो थी वो सेंटीमीटर में थी। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अभी एग्जांपल 4 आ गया हमारे सामने, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप्स मूव इन 40 मिनट्स। अभी हमें घड़ी दे दी है एक, ये हो गई हमारी घड़ी, और हमें दिया है कि इसकी जो मिनट हैंड होती है, मिनट बताने वाली सुई, वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और 40 मिनट हम लोग ऐसे कहां पे लेते हैं, सपोज ये 12, 3, 6 और 9, तो यहाँ 8 पे 40 मिनट हो जाते हैं, तो ऐसे ही ले लेते हैं इसको कि ये यहां पर 40 मिनट चल चुकी है। इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये थी 12 थी, 40 मिनट चल गई ना, 15, 15, 30 और यहां से 10, 40, तो ये 40 मिनट चल चुकी है, मतलब ये वाला इतना एंगल कवर कर चुकी है। हाउ फार डज इट टिप मूव्स इन 40 मिनट्स, और यहाँ पे हमें ये भी गिवन है कि पाई को हमें 3.14 लेना है। मैंने कहा था पाई 3.14 नहीं होता है, ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन होती है, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल दिया उसने कि पाई को 3.14 लेना है, तो हमें लेना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं हमारे पास। तो अब हमें सबसे पहले तो ये एंगल चाहिए कि ये एंगल कितना चला है, ये एंगल कितना आ जाएगा, देखो टोटल एंगल कितना होता है 60 मिनट के लिए, 60 मिनट्स के लिए एंगल होता है 360 डिग्री इस वॉच में। वैसे तो एक डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है, लेकिन यहां पे 60 मिनट तब होता है जब मिनट हैंड वाली ये पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले, और एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का होता है, तो 60 मिनट हो गए 360 के बराबर, हमें चाहिए 40 मिनट। तो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई 3 करूं तो मुझे 20 मिनट मिल जाएंगे, और इंटू 2 कर दूं, मतलब इसको 3/2 से डिवाइड कर दूं दोनों साइड को, तो मुझे मिल जाएगा 40 मिनट्स। 60 डिवाइडेड बाई 3 इज 20, इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि 2 पर आ जाएगा, 40 मिनट्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। 40 मिनट्स की कितनी वैल्यू आई, 360 इंटू 2/3, ये आई यहां से कट गया 120, 240 डिग्रीज। तो 40 मिनट करेस्पॉन्ड कर रहे हैं 240 डिग्रीज को। हमें टिप निकालनी है, ये टिप कितना चली है, तो टिप उतना ही चलेगी जितनी ये आर्क आई, क्योंकि टिप ऐसे ही तो चलेगी, अभी यहां थी फिर ये ऐसे 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 करके, उतना ही चलेगी टिप जो इसकी आर्क आई इस घड़ी की इस एंगल के करेस्पॉन्डिंग, 40 डिग्री के इस एंगल के चालीस नहीं 240 हमने निकाला है, 240 डिग्री के करेस्पॉन्डिंग जो इसकी आर्क आएगी उतना इस टिप ने मूव कर लिया। 240 तो हमें डिग्री मेजरमेंट मिल गया, इसको रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 किया हमने, तो ये 60 × 3, 60 × 4, तो मुझे मिला 4π/3। 240 डिग्री जो है वो 4π/3 रेडियंस के बराबर होता है, रेडियन में वैल्यू भी मिल गई, और हमें पता है कि ये लेंथ अगर इसको एल मान लें
तो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में फॉर्मूला पढ़ा था, एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा हमें रेडियन में लेना है, वो हम निकाल चुके हैं। एल हमें कैलकुलेट करना है, रेडियस हमें गिवेन है, इस सुई की कितनी लंबाई है वो हमें गिवेन है 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 इंटू 4 पाई बाई 3, 4 पाई की वैल्यू हमें गिवेन है, 3.14 लेनी है, पाई बाई 3, ये 1.5 बन जाएगा और ये 2 से कट जाएगा और ये 2 इससे कट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, सिंपली हमारे पास आ गया 6.28 सेंटीमीटर। तो ये कितनी लेंथ चल चुकी है, 6.28 सेंटीमीटर चल चुकी है, ये कैलकुलेट करके आया इसको, अगर किसी को ना समझ आया तो इसको कैलकुलेट किया हमने, तो इस सुई के टिप ने टोटल 6.28 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ओके, तो ये है हमारा लास्ट एग्जांपल, उसके बाद एक्सरसाइज 1 करेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, जानता हूं ये लंबी हो चुकी है। सो इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियन। सिंपल क्वेश्चन है, हमें दो आर्क की लेंथ, ये दो आर्क जो है, टू आर्क्स, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो हमें गिवन है। एक एंगल सबटेंड कर रही है 65 डिग्री और एक सबटेंड कर रही है 110 डिग्री, और हमें क्या गिवन है कि इन दोनों आर्क की लेंथ जो है वो सेम है, मतलब कि ये सपोज आर्क एक ऐसी है, ये एक एंगल सबटेंड कर रही है कुछ इस तरह से, और इसी लेंथ की एक और आर्क है वो कुछ और एंगल सबटेंड कर रही है, तो दोनों एंगल हमें गिवन है 65 डिग्री एंड 110 डिग्री। तो सबसे पहली बात, फॉर्मूला रिवाइज करें तो L इज इक्वल टू आर थीटा, L हमें गिवेन है कि दोनों आर्क्स की सेम है, तो अगर मैं सिर्फ फर्स्ट आर्क की बात करूं तो उसके लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट आर्क की लेंथ L1, उसका रेडियस R1 और एंगल सबटेंडेड जो उसने किया वो थीटा 1, और 2 की बात करें तो L2, उसका रेडियस R2 और एंगल सबटेंडेड थीटा 2। तो अभी हमें गिवेन है कि L1 और L2 तो बराबर हैं, तो इसको तो L लिख देते हैं दोनों को, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। थीटा 1 और थीटा 2 हमें गिवेन है 110 डिग्री और 65 डिग्री, R1 और R2 का हमें रेशियो निकालना है, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, L अपॉन L इज इक्वल टू R1 थीटा 1 अपॉन R2 थीटा 2, यही आ जाएगा, L अपॉन L हो जाएगा 1, तो 1 इज इक्वल टू R1 थीटा 1 अपॉन R2 थीटा 2, या फिर और हमें निकालना क्या है, R1 अपॉन R2, तो R1 अपॉन R2 यहां से आ जाएगा, ये थीटा 2 ऊपर जाएगा, थीटा 1 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1, ये हमें मिल गया। थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू हमें पता है, पर हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो थीटा 2 अपॉन थीटा 1 क्या हो जाएगा, देखो थीटा 1 कितना है 65 डिग्री, इसको रेडियन में अगर कन्वर्ट किया तो क्या आया पाई पाई 180, और थीटा 2 कितना है 110, इसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो आया पाई बाई 180, ये पाई बाई 180 से पाई बाई 180 सीधा सीधा कैंसिल हो गया, 65 अपॉन 110 हमें मिल गया, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 13 टाइम्स 5 और ये है 22 टाइम्स 5, तो हमारे पास R1 और R2 का रेडियस आ गया 13 बाई 22, रेडियस ऑफ R1 टू R2 इज 13 बाई 22। तो ये थे हमारे कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स और 5 सॉल्व एग्जांपल्स जो बुक में गिवन है, अब हम लोग वो सारा पार्ट कवर कर चुके हैं जो काफी है हमें एक्सरसाइज 1 खत्म करवाने के लिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 करेंगे, एक्सरसाइज 3.1। अगर यहाँ पर कुछ भी ना समझ आया हो तो आपको बताया आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं या फिर thewhitestatepadhai@gmail.com पे अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई फीडबैक हो तो वो भी आप हमें मेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल व्हाइट स्लेट पढ़ाई। थैंक यू।